بسم الله الرحمن الرحيم. Today our topic is age of regression. Age of regression. तो age of regression को हम define यू करेंगे के सरफेस पे आपके पास अगर करेक्टरिस्टिक, एक ये करेक्टरिस्टिक है जी, एक ये वाली करेक्टरिस्टिक है और एक आपके पास है जी ये वाली करेक्टरिस्टिक. और जब ये एक ये करेक्टरिस्टिक है और दूसरी ये, जब ये दूसरे एक दूसरे को मीट करती हैं तो जहाँ पे एक ये अगर एक करेक्टरिस्टिक है और ये वाली जो है ये दूसरी करेक्टरिस्टिक है, ये जहाँ पे एक दूसरे को मीट करती हैं, इसको दोनों करेक्टरिस्टिक के ये जो पॉइंट होगा डैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू करेक्टरिस्टिक्स. तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा, करेक्टरिस्टिक के इंटरसेक्शन का जो लोकस बनेगा उसको हम ये कहेंगे कि वो सरफेस का जो एज ऑफ रेग्रेशन बनता है. तो मैं इसको डिफाइन यू करता हूं, द लोकस ऑफ द अल्टीमेट intersection of the two consecutive characteristics. Of one parametric family of the surface is called the edge of regression is called the edge of regression. उसके बाद है जी theorem की statement है, prove that each characteristics touches the the edge of हमने प्रूव करना है कि हर एक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो टच करती है जी एज ऑफ रिग्रेशन को. तो प्रूव है ये आपके पास तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, एक ए है, दूसरी ये बी करेक्टरिस्टिक है और ये तीसरी सी करेक्टरिस्टिक्स है. आपके पास ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं. सपोज या लेफ्ट ए कॉमा बी एंड सी, लेट ए
ये एक करैक्टरिस्टिक, ये दूसरी करैक्टरिस्टिक, ये तीसरी करैक्टरिस्टिक. लेट ए बी एंड सी बी थ्री बी थ्री करैक्टरिस्टिक्स. ये तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं जी. ये कंजेक्टिव करैक्टरिस्टिक्स हैं. दी करैक्टरिस्टिक्स ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपके पास ये जो ए करैक्टरिस्टिक है और ये जो बी करैक्टरिस्टिक है, ये कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पर. द करैक्टरिस्टिक ए एंड बी, द करैक्टरिस्टिक ए एंड बी इंटरसेक्ट each other at the point P. ये दो जो characteristics हैं, ये एक दूसरे को किस point पर intersect करती हैं जी? ये P point पर intersect. और दूसरे अगर आप इनको गौर से देखें तो आपके पास ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं बी और सी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट क्यू. द अदर टू करैक्टरिस्टिक्स, अदर टू करैक्टरिस्टिक्स बी एंड सी intersect each other, intersect each other at the point Q. ये दोनों points of intersection है जी. ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है. दस ये जो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है पी और क्यू, दस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन P and Q are at the characteristic B. ये दोनों जो points of intersection है ये characteristic B पर हैं. As well as the at the edge of regression, in the edge of regression पर भी हैं ये दोनों points. Hence ultimately as the characteristics A and C, the characteristics A and C
टेंड टू, ये करैक्टरिस्टिक्स, ये वाली ये ए और ये वाली जो करैक्टरिस्टिक सी है, ये दोनों क्या करती हैं कि इनकी कोशिश होती है कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स बी है इसको कॉन्साइड करें, टेंड टू कॉन्साइड। विद द करैक्टरिस्टिक, विद द करैक्टरिस्टिक बी, एज अ रिजल्ट जब ये कॉन्साइड कर जाती हैं तो फिर ये जो कॉर्ड बनती है ए बी, एज अ रिजल्ट द कॉर्ड पी क्यू, सॉरी द कॉर्ड पी क्यू बिकम्स becomes the tangent, becomes the tangent, becomes the tangent to the characteristics, becomes the tangent to the characteristic and the edge of regression. दोनों पे ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट का रोल अदा करती है, हैंस दिस प्रूव्स, हैंस दिस प्रूव्स थ्योरम।